कहाँ लेके जा रहे थे अंश को? कहाँ लेके जा रहे? गुस्सा क्यों कर रही हो? बड़े पप्पू मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे, पंगल उन्हें रोक रहे थे। खांसी हुई है ना मुझे, इसीलिए। इन्होंने तो आपकी हेल्प की थी, अब हॉस्पिटल ले गए थे। मेरे साथ फुटबॉल भी खेलता है और पता है बड़ी मम्मी के घर ही रहते हैं, उनकी किराएदार है ना। सड़क में अंश के सामने बात करना ठीक नहीं है। चल बेटा, आजा। क्यों रे हीरोइन, किसको ठिकाने लगा के आई है? अरे मेरे से आंखें चुराएगी? अरे हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो क्या कहते हैं, चोर चोर मुसेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन परी को छोड़ दीजिए प्लीज। भाई साहब, इस तरह से मिन्नतें करने से कुछ नहीं होने वाला, कानून अपने हिसाब से काम करता है। आप प्लीज जाइए। ये परिधि की जमानत के पेपर्स हैं इंस्पेक्टर, क्या मुझसे ले जा सकते हैं आप? मैंने कहा था कि पंकज भैया के होते हुए परिधि को कुछ नहीं। परिधि सिंधिया को ले आओ। वकील साहब, जमानत तो आपने करवा दी, लेकिन यह केस अब और भी ज्यादा उलझ गया है। जिस स्पॉट बॉय ने सबसे पहले पुलिस को इस केस के बारे में बताया था, उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, और हमारा शक है कि यह एक्सीडेंट हुआ नहीं, जानबूझकर करवाया गया है। करण मेहता का मर्डर सेल्फ डिफेंस में नहीं, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और कातिल इस केस के सारे सबूत और गवाहों को मिटा देना चाहता है।
इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स। ये जानकारी पंकज भैया के बहुत काम आएगी, परिधि को बेकसूर साबित करने। थैंक यू। परी, आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह लॉकअप में बैठना पड़ा और पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी परी। प्रदीप, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारा प्यार ही तो परिधि की ताकत है, उसकी हिम्मत है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास से ही तो टिका रहता है, इसमें थोड़ी सी भी कमी मत आने देना। फिर देखना, कोई भी मुसीबत तुम्हारे इस प्यार की बुनियाद को नहीं हिला पाएगा। अब घर चलो। इंस्पेक्टर साहब, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मीडिया को इस केस से दूर रखिएगा। इस केस के बारे में मीडिया को पता चल गया तो दोनों परिवार की बदनामी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, थैंक यू। चलो भाई। पहले मेरा पीछा करते हुए ललितपुर आ गए, मेरी जान बचाने का नाटक किया। राज, आज मेरे अंश को मुझसे छीन कर लिए जा रहे थे ना, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचती तो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था आरती। खबरदार, खबरदार जो अपनी गलती से माफ पर मेरा नाम बेला है तो सिया कब खो चुके। और आप दोनों, मुझसे कहा कि प्रशांत इसी शहर में, ये क्यों नहीं बताया कि वो आप दोनों के बीच इसी घर में रह रहा है? क्यों माँ, मैं पूछती हूँ क्यों? आपने इन्हें यहाँ रहने की इजाजत ही क्यों दी? मेरे अंश के करीब कैसे आने दिया? जानती ना कि मैं इनकी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती अंश पर, फिर क्यों? मुझसे कहा था आपने कि प्रशांत बदल गए, अपनी गलतियों का पछतावा है उन्हें, देख ले अपनी आंखों से कितना बदल गया और कितना पछतावा है इन्हें। माँ, बाबूजी, मैं अभी भी कह रही हूं ये किसी मकसद से ही आए हैं इस घर में, फिर से मेरी जिंदगी में कोई तूफान मचाने आए हैं ये। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी माँ। अब परेशानियां नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कीजिए हम पर और चले जाइए। जाओ प्रशांत, जाओ, जाइए। आरती, रुक जाओ। किसने दिया है तुम्हें यह हक? प्रशांत हमारा बेटा है और हमारे घर से बाहर निकलने का हक किसने दिया तुम्हें?
मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। ये क्या कह दिया आपने आरती को? रोकिए इसे, रोकिए इसे। आरती, क्या यही प्यार है तुम्हारा? बाऊजी कहती हो ना बाप का दर्जा दिया है ना, तो बाऊजी ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो मुंह फेर कर जा रही हो। क्या बाप को इतना भी अधिकार नहीं कि बेटी से नाराज हो सके? यश के साथ तेरी शादी होने के बाद हम लोग कितने अकेले हो गए हैं, ये ख्याल आया तुझे? प्रशांत, प्रशांत वापस आया तो इसे देखकर इस उम्र में सहारे की उम्मीद जाग उठी आरती। सोचा कि ये हमारा अकेलापन दूर कर देगा। इंसान हूं और एक पिता आरती, भावनाओं में बह गया अपने बेटे को देखकर। कोई पाप तो नहीं है ना आरती? बस बाबूजी, जब देखो तब आरती आरती आरती। कब तक आप ऐसे गैरों के सहारे जीते रहेंगे? मैं बेटा हूं आपका और मैं आप दोनों से वादा करता हूं, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बस मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। ये घर मेरे नाम कर दीजिए बाबूजी। आखिर बेटा हूं मैं आपका, मतलब छोटी सी तो बात है। जानती थी मैं, जानती थी ये किसी मकसद से यहाँ है। देख लिया ना माँ, आप क्या कहती थी कि बदल गए, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। अरे माँ, आपका माँ का दिल है ना, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। ये कोई नहीं बदले और ना ही कभी बदल सकते हैं बाबूजी। ये यहाँ सिर्फ अपने लालच के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए नहीं। कोई सहारा वारा नहीं देना इन्हें आपको। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मेरे बाप बाबूजी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी अभी जिंदा है। मैं ख्याल रखूंगी इनका, मेरे पति मेरे यश ही ख्याल रखेंगे इनका। आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है हमें। चाहिए यहां से, चाहिए, चाहिए। एक मिनट आरती, जा रहा हूं मैं।
बाबूजी, आप लोग को ये सोना घर काटने को दौड़ता है ना, तो आप लोग मेरे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। अभी आपकी बेटी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ अभी। मैं यश जी, माँ जी, बाबू जी सबसे बात कर लूंगी और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। माँ वो खुशी खुशी आप लोग का स्वागत करेंगे। चलिए माँ, तुरंत चलिए, चलिए ना बाबू जी, प्लीज माँ। आरती, तू हमारे बारे में इतना सोच रही है, हमारे लिए यही बहुत है बेटा। तू जैसी बेटी पाकर हम धन्य हो गए। लेकिन बेटे, बेटी के ससुराल में रहा तो नहीं जा सकता। ये सब पुरानी बातें हैं माँ। शोभा ठीक कह रही है आरती। लेकिन बाबूजी, अगर प्रशांत वापस आ गए यहाँ तो? प्रशांत इस घर में वापस नहीं आएगा। ये घर तो क्या, अंश पे भी उसका साया नहीं पड़ने दूंगा मैं। इतना भरोसा तो है ना अपने बाबूजी पर? आप पर आप पूरा भरोसा? तो बस तीनों बच्चों को यहां ही रहने दो आरती, जब तक ये पुलिस केस नहीं निपट जाता। हंस, पलक, पायल, सबकी अच्छी देखभाल होगी यहां। हाँ, तुम चिंता मत करो। आरती जी, जमानत मिल गई है परिधि को। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो अभी और कैसी है? ठीक है आरती जी, बस थोड़ी घबराई हुई है। देखिए सब लोग वापस आ गए हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। जी, मैं बस तुरंत आती हूँ। आरती जी थैंक्स, आज जो भी हुआ वो सब आपकी वजह से हुआ है। आपने परिधि को समझाया, उसकी वजह से वो घर वापस आई। और हाँ, आपने तो बाबूजी को भी मना लिया। आरती जी, अब मैं बोल सकता हूँ, अगर आप यहाँ हैं तो इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये परिवार कभी अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आरती जी, आरती जी बस यूं ही मेरा साथ देते रहिए। आपके बिना मैं अधूरा हूं। सी यू आरती जी, बाय बाय। कोई जरूरत नहीं है वो सब सोचने की। तुम अपने घर में हो, अपने परिवार में, अपनों के बीच। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही बातें याद रखनी चाहिए जो दिल को खुशी दे, और जो बातें दिल को परेशान करें या दुख पहुंचाएं, उन बातों के लिए दिल के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा देना चाहिए। और वैसे भी परिधि, अब तो पंकज भैया तुम्हारा केस लड़ रहे हैं, और यशी भी तुम्हारे साथ है। देखना, सब ठीक हो जाएगा।